इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेमिंग ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो बच्चों यहाँ पर नेमिंग देखेंगे हम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल बच्चों, जैसे कि सिग्मा का बोलते हैं, पाई का बोलते हैं, डेल्टा, ये कन्फ्यूजिंग है। जब तक इनकी डेफिनेशन में नहीं जाओगे तब तक कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहेगा, कहीं एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिग्मा बोलें कि पाई बोलें। तो इनकी डेफिनेशन है एज इट इज़, इसको समझने की नीड है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम डेफिनेशंस में। सिग्मा कब बोलते हैं, क्या उसका नेमिंग होती है बच्चों? सिग्मा ऑर्बिटल तब कहलाएगा, ए मोलिकुलर ऑर्बिटल, कोई मोलिकुलर ऑर्बिटल विल हैव सिग्मा सिमेट्री, अगर उसके अंदर क्या होगी बच्चों, सिग्मा सिमेट्री होगी। सिग्मा सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इफ द ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियर सेंटर्स, अगर दो न्यूक्लियर सेंटर को ले जाती हुई जो न्यूक्लियर एक्सिस है, जैसा कि बच्चों ये, उसके रेस्पेक्ट में अगर वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब है अगर उसकी फेज चेंज नहीं हो रही, उसके अलोंग रोटेट कर रहे हैं, तो दिस मीन्स डैट रोटेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डज नॉट रिजल्ट इन फेज चेंज। मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल को अगर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने रोटेट किया तो उसकी फेज चेंज नहीं हो रही। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं बच्चों सारे सिग्मा सिमेट्रिक हैं, अगर इनको रोटेट करोगे तो इनकी फेज चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर फेज चेंज का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव की जगह रहेगा, निगेटिव निगेटिव की जगह रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव में चेंज नहीं होगा, निगेटिव पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा। तो सारे के सारे जो सिग्मा सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स हैं, तो इनको अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, जैसे कि ये दो न्यूक्लियर को मिलाती हुई जो एक्सिस है, अगर रोटेट करोगे तो बच्चों येलो येलो कलर की जगह रहेगा और ब्लू ब्लू की जगह रहेगा। तो इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग रोटेट करने पर फेज चेंज नहीं हो रही। तो इस तरह का ऑर्बिटल क्या कहलाता है बच्चों? सिग्मा सिमेट्रिक, और उसको नाम क्या दिया जाता है? सिग्मा नाम दिया जाता है। सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल बच्चों, कोई भी एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल आगे भी देखेंगे आएगा, तो उसमें एक एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर प्लेन आ जाएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक प्लेन एक्स्ट्रा उसमें आ जाता है। ठीक है, तो सिग्मा सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर इसको रोटेट करते हैं तो बच्चों उसके ऑर्बिटल का फेज चेंज नहीं होता है। पाई सिमेट्री समझते हैं, पाई सिमेट्री समझेंगे तो सिग्मा सिमेट्री समझ में आएगी। सीधा बच्चों ये पाई ऑर्बिटल है, इसका नाम पाई देते हैं हम। पीपी ऑर्बिटल जब बच्चों पैरेलल ओवरलैप करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, तो दो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्डिंग और पाई बच्चों एंटीबॉन्डिंग। जब अपोजिट फेज यहाँ पर ओवरलैप कर रहे होते हैं तो एंटीबॉन्डिंग बनता है। लेकिन इसका नाम भी पाई दिया है, इसका नाम भी बच्चों पाई हमने दिया है। पाई क्यों दिया है? तो बच्चों अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट किया जाएगा तो इसकी फेज चेंज हो जाती है। जैसा कि बच्चों ये जो पिंक कलर है ये पॉजिटिव फेज को दिखा रहा है, ये निगेटिव फेज को दिखा रहा है सपोज, तो अगर इसे रोटेट करोगे तो पिंक नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब इसके रोटेशन करने पर इसकी क्या हो रही है बच्चों? फेज में चेंजेस आ रहा है। तो इसे इसका नाम क्या दिया गया है बच्चों? पाई सिमेट्री दिया गया है। दूसरी बात बच्चों यहाँ पर, ए मोलिकुलर ऑर्बिटल विल हैव पाई सिमेट्री, मोलिकुलर ऑर्बिटल इज एसिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू रोटेशन अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। दूसरी बात है, देयर इज वन नोडल प्लेन, इसके अंदर बच्चों क्या होता है? एक नोडल प्लेन होता है कंटेनिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को कंटेन करता हुआ। तो बच्चों यहाँ पर ये जो प्लेन दिखाई दे रहा होगा आपको ब्लू कलर का, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके साथ में, यहाँ पे देख सकते हो ये, तो पाई सिमेट्री जिस मॉलिक्यूल में होगी उसके अंदर एक नोडल प्लेन होगा, क्या कंटेन करते हुए? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को लेता हुआ एक प्लेन होगा। एंटीबॉन्डिंग की बात करोगे तब भी बच्चों इसको पाई के अलोंग, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट करोगे तो दोनों कलर आपस में चेंज हो रहे हैं, ये अप जाएगा ये डाउन आएगा अगर रोटेट करें। इसीलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम कि इसके अंदर पाई सिमेट्री है, और एंटीबॉन्डिंग में बच्चों एक परपेंडिकुलर प्लेन भी इसके अंदर आ जाता है। तो ध्यान रखना है, पाई सिमेट्री, पाई ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? उसमें एक नोडल प्लेन होता है प्लेनिंग कंटेनिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। चलो बच्चों डेल्टा किसको बोलते हैं उसको समझते हैं हम। डेल्टा सिमेट्री बच्चों किसको बोलते हैं? अगर ऑर्बिटल्स बच्चों इस तरह से ओवरलैप करें, डी ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करें तो उसको बोलते हैं बच्चों डेल्टा सिमेट्री। अभी इसे मॉडल से मैं एक्सप्लेन यहीं पर करूंगा तो आपके समझ में आएगा किस तरह की ओवरलैपिंग है। सिग्मा और पाई तो समझ में आ रही है, 12th के स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं, और डेल्टा को यहाँ पर देखते हैं। लेकिन डेल्टा बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज टू नोडल प्लेन कंटेनिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्ड्स जो था बच्चों क्या हो रहा था उसके अंदर क्या था? वन नोडल प्लेन था, लेकिन डेल्टा बॉन्डिंग क्या रखती है? टू नोडल प्लेन रखती है कंटेनिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर को एक्सिस को कंटेन करते हुए। सिग्मा में एक भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो, पाई में वन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को कंटेन करता हुआ वन नोडल प्लेन है, डेल्टा को टू नोडल प्लेन है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को कंटेन करते हुए। बच्चों इसको समझते हैं पहले मॉडल से, फिर आगे और कुछ बात करेंगे इसमें। तो बच्चों यहां पर मैंने एक डी ऑर्बिटल लिया,
तो यहां पर जो डेल्टा बॉन्ड बनेगा बच्चों ग्रीन इस तरह की ओवरलैपिंग से बन रहा है, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था बच्चों एक्सेल ओवरलैपिंग इस तरह से बन रहा था, पीओ ऑर्बिटल किस तरह से बन रहा था बच्चों दो पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इस तरह से की थी हमने, डेल्टा बॉन्ड बच्चों किस तरह से बन रहा है देखो डी ऑर्बिटल में डेल्टा बॉन्ड इस तरह की ओवरलैपिंग से बनेगा, लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनता है इस तरह की ओवरलैपिंग से बनता है डी डी ऑर्बिटल की, डेल्टा बॉन्ड में बच्चों इस तरह से आ रहे हैं, शायद ये विजुलाइज हो पा रहा होगा। और इसके अंदर रहती है बच्चों टू प्लेन्स, किस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो गई बच्चों, इंटरन्यूक्लियर येलो येलो को ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसके अंदर हो गई है। प्लेन की बात करें तो बच्चों दो इसमें प्लेन जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं बच्चों इसके मिड से कट करता हुआ प्लेन, एक बच्चों इधर से कट करता हुआ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को लेते हुए दो प्लेन से इस तरह और इस तरह, क्योंकि प्लेन जहाँ से जाएगा नोडल प्लेन बच्चों इधर फेज डिफरेंट है, इधर फेज डिफरेंट है, यहाँ पे इधर फेज डिफरेंट है, इधर फेज डिफरेंट है, ऐसे एक प्लेन बच्चों यहाँ से चला गया ये फेज डिफरेंट है, क्योंकि नोडल प्लेन या नोडल पॉइंट की बात क्या हो जाती है बच्चों फेज चेंज हो जाती है। तो इसके अंदर दो टू नोडल प्लेन्स है, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इसको बच्चों रोटेट करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा, तो सिग्मा में भी यही था कि फेज चेंज, लेकिन यहाँ पर अगर वन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तब तो चेंज हो रहा है, ठीक है ये यहाँ पर जाएगा ठीक है, लेकिन 180 रोटेट करेंगे तब नहीं हो रहा है, लेकिन 90 डिग्री पे चेंज हो रहा है। लेकिन इसकी पहचान क्या है डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन की, एक तो ये बच्चों डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग में इस तरह की ओवरलैपिंग से बनेगा ठीक है, और दूसरा इसमें टू नोडल प्लेन है कंटेन करते हुए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिए। दूसरी बच्चों एक बात की ये वाली जो ये वाला बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, ये वाला जो ऑर्बिटल है सिग्मा ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कहलाएगी डी ऑर्बिटल की कि पाई कहलाएगी, क्योंकि ये जो बच्चों क्या हो रहा है एक ही इंटरन्यूक्लियर प्लेन रख रहा है इसको कंटेन करता हो, ये कट जो हो रहा है बच्चों यहाँ से ये जो कट होगा बीच से कट करेगा, तो एक ही इसमें नोडल प्लेन है, दूसरा नोडल प्लेन यहाँ पर नहीं है। दूसरा सिग्मा बॉन्ड के अराउंड बच्चों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करोगे तो ये वाला कलर जो है ग्रीन के साथ में आ जाएगा, और ग्रीन वाले कलर क्या चले जाएंगे बच्चों अब चले जाएंगे, इसलिए इस तरह की ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी बच्चों पाई सिमेट्री वाला ऑर्बिटल ये कहलाएगा, और इसका नाम क्या रहेगा बच्चों पाई रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप डेफिनेशन नहीं पकड़ोगे तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि सिग्मा किसको कहते हैं पाई, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड कैसे जाएगा, तो वहाँ पर फिर हमें डेफिनेशन पे जाना पड़ता है और वहाँ पर देखना पड़ता है कि सिग्मा और पाई में क्या चेंजेस होते हैं, उसके बेसिस पे हम असाइन कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वन मोर थिंग यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चों कि कब जी लिखते हैं और कब यू लिखते हैं, तो उसके लिए बच्चों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बच्चों जब आई होता आई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं जी कब असाइन करेंगे और यू कब असाइन करेंगे। बच्चों अगर जी अगर आई के रेस्पेक्ट में, आई क्या है बच्चों इन्वर्जन सेंटर ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, इसके रेस्पेक्ट में अगर प्लस वन है मतलब सिमेट्रिक है तो हमारा टर्म जी असाइन किया जाता है सबस्क्रिप्ट में। अगर बच्चों क्या असाइन किया जाता है सिमेट्रिक है आई के रेस्पेक्ट में तो क्या असाइन किया जाता है जी, अगर आई के रेस्पेक्ट में बच्चों एसिमेट्रिक है इन्वर्स करें तो एसिमेट्रिक है तो बच्चों सबस्क्रिप्ट रहती है बच्चों यू। तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल बने हुए हैं उनको देखते हैं बच्चों, तो इन्वर्जन का मतलब होता है मिड पॉइंट सेंटर से जितनी डिस्टेंस हम इधर गए बिल्कुल सेम स्ट्रेट बैक वहाँ जाओ, तो अगर सेम फेज मिल रही है तो असाइन होगा जी, मतलब ये सिमेट्रिक है तो इसको बोलेंगे सिग्मा जी। यहाँ पर देखते हैं बच्चों पाई के एंटी बॉन्डिंग में देखते हैं, तो यहाँ पे मिड पॉइंट से इधर गए बच्चों सेम स्टेट बैक गए तो हमें क्या मिल रही है बच्चों सेम फेज मिल रहे हैं, इधर बच्चों इधर गए सेम इधर भी गए तो सेम फेज मिल रहे हैं, तो इसकी इन्वर्जन सेंटर के रेस्पेक्ट में क्या है बच्चों सिमेट्रिक है तो टर्म क्या आएगी इसकी जी। लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट में बच्चों यहाँ पर देखोगे यहाँ पर पिंक है इधर सेम स्टेट बैक गए तो यहाँ पर डिफरेंट कलर है, तो ये बच्चों अनजीरेड है, इन्वर्जन के रेस्पेक्ट में क्या था एसिमेट्रिक है क्योंकि सेम चीज़ हमें नहीं मिल रही, तो इसे पाई यू बोलेंगे बच्चों। ऐसे इनको देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये पी पी की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, मिड पॉइंट लिया बच्चों यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पर गए तो ब्लू कलर था यहाँ पर डिफरेंट है तो इसका मतलब सिग्मा यू है, तो इस तरह से यहाँ पर जी और यू टर्म असाइन बच्चों की जाती हैं। तो मुझे लग रहा वीडियो समझ में आई होगी बच्चों, तो आपको क्या करना है इसको लाइक करना है, और बच्चों सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल तो इसको सब्सक्राइब भी करना है, और बच्चों कमेंट करना है बताना है वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं। थैंक यू वेरी मच।